नमस्कार, मैं हूँ अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज, खबरें विस्तार से। खबर शिवपुरी से बता रहे हैं आपको, जहाँ तहसील शिवपुरी तहसील के ग्राम कुंवरपुर ग्राम में जहाँ शासकीय उचित मूल्य की दुकान में लापरवाही का मामला सामने आया है। वहाँ के हितग्राही द्वारा बताया गया है कि उचित मूल्य की दुकान के संचालक ना तो टाइम से दुकान खोलते हैं और ना ही सही तरीके से माल का वितरण करते हैं। उनका कहना है कि दुकान पर जो राशन वितरण किया जाता है वह पूरा नहीं दिया जाता है। कई हितग्राहियों का कहना है कि 1 महीने का राशन अभी बकाया है जो उनको सही समय पर नहीं दिया गया है और ना ही उसकी कोई जानकारी है। बताया जा रहा है कि उचित मूल्य की दुकान से राशन माफिया द्वारा उसकी कालाबाजारी भी की जाती है। रेगुलर नहीं, कभी कभार वितरण करता है, पर 1 महीने चढ़ा कर करता है। एक दो किलो कम भी निकलती है इसकी एक बार पर ग्राहक। अच्छा, कम भी निकलती है। और गेहूँ गेहूँ देता नहीं है, चावल चावल देता है, गेहूँ नहीं देता, चावल चावल देता है। सब लोग का जो नहीं, बिल्कुल सही नहीं पड़ रहा। चावल चावल देता है, गेहूँ देता नहीं है। हर महीने बांटता है, पर वो 2 महीना के बाद ही आ रहा है, तेज देता है। और कोई को सुनता है तो 4 किलो कम, कब 5 किलो कम काटे में। मैंने मुँह दिया 52 किलो कट्टा, 48 किलो निकले भी। बांट रहा है महीना के महीना देता, पर वो का कम ज़्यादा देता रहता है। रेगुलर नहीं, कभी कभी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता लक्ष्मण सिंह जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे शिवपुरी जिले में लगभग सभी दुकानों पर ही लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। जैसे ही उनके पास में जो क्या है, जितनी भी जो लापरवाही उनके पास पहुंच नहीं पाती है समय से, या उनके ये साधन का संपर्क टूट गया है। राशन की कालाबाजारी का ये मामला है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर लापरवाही की जा रही है, जहां हितग्राहियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हितग्राहियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। राशन संचालक जो कि दुकान का डीलर है, वो हितग्राहियों को राशन नहीं देता है। मनमाने तरीके से राशन वितरण किया जाता है। कई हितग्राहियों का कहना है कि कम राशन दिया जाता है, दुकान का डीलर उन्हें जानकारी नहीं देता कि कब राशन वितरण किया जाएगा। शिवपुरी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। लक्ष्मण, राशन की कालाबाजारी का ये पूरा मामला है, आगे इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत में जब साधना न्यूज की टीम पहुंची तो वहां पर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वहां के हितग्राहियों ने बताया है कि यहाँ पर एक तो समय से माल नहीं बढ़ रहा है, उसके बावजूद बढ़ता है तो उसको कम तोला जाता है, कम मात्रा में तोला जा रहा है। गेहूं तो उनको काफी टाइम से मिला नहीं है, चावल चावल दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1 महीने का ये पीछे करके बांट रहे हैं, 1 महीना अभी पेंडिंग है इनका। जी क्या लक्ष्मण, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने किसी अधिकारी से नहीं की है? जी, मुख्यमंत्री जो 100 CM हेल्पलाइन होती है, वहां पर उन्होंने शिकायत की है। और मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा वो वहां पे जाते नहीं है, कुछ लोगों को जानकारी मालूम भी नहीं है। जी, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की है हितग्राहियों ने, उसके बाद कोई कार्रवाई देखने को मिली है? कोई कार्रवाई नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है वहां के हितग्राहियों का कि उसको कटवारी आती है, दवा बना के हम लोग लगाते हैं तो वहां से कट जाती है। 2-3 CM हेल्पलाइन अभी उस दुकान से डली है। और अब साधना न्यूज पर जब ये खबर चलेगी, अब देखते हैं कितना क्या होता है। स्थानीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की है ग्रामीणों ने, क्योंकि स्थानीय लेवल पे भी अधिकारी होते हैं, उनसे शिकायत क्यों नहीं की गई अभी तक? देखिए, वो सिर्फ वो वहाँ के लोगों का यह है कि हमने सीएम हेल्पलाइन पे ही शिकायत की है। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर अभी किसी से कोई शिकायत नहीं की गई है कि पूर्व में उन्होंने की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जी, क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है? जी, लगता है कहीं ना कहीं जब वो सीएम हेल्पलाइन पे वो शिकायत है और क्या नाम पूर्व में भी उनके द्वारा शिकायत की गई है, तो लगता है कि उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत लगती है सर, देखने में। अरुण जी, लक्ष्मण, मुद्दा तो यह कि POS मशीन पर अंगूठा लगाया जाता है, उसके बाद हितग्राही को राशन दिया जाता है, क्या इन हितग्राहियों से अंगूठा लगवा लिया जाता है पहले? बताया तो ऐसे ही जाता है कि सबसे पहले अंगूठा लगवा लिया जाता है, उसके बाद में जो राशन आता है, राशन की कालाबाजारी ये मार्केट में कर देते हैं, वो राशन हितग्राही तक नहीं पहुंच पाता है। जी, क्या लक्ष्मण, इन हितग्राहियों को ये नहीं मालूम कि अंगूठा लगाने के बाद ये लोग अपना राशन नहीं ले रहे हैं? राशन लेने के लिए डीलर के पास जाना चाहिए, उससे कहना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारी से करना चाहिए। देखिए, जो दुकान संचालक होता है पूर्व में अंगूठा लगवा लेता है, उसी अंगूठे के हिसाब से
वहाँ से राशन आता है उसी मात्रा में आता है। जब वो राशन आ जाता है तो उसको कभी आया है कभी नहीं आया, कभी एक महीने का जो प्रधानमंत्री पीएम का जो आता है फ्री वाला वो आता है। वहाँ कई जगह तो ऐसा हुआ कि फ्री वाला माल बट ही नहीं रहा है, कई दुकानें ऐसी हैं जिले में। जी लक्ष्मण, देखा जाए हर महीने राशन दिया जाता है सरकार की तरफ से, हर महीने गरीबों को उनका राशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि राशन हर महीने नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, राशन हर महीने भी नहीं मिल रहा है, कभी एक महीने का पेंडिंग करके ये चल रहे हैं, अक्टूबर का बांट दिया है, नवंबर का भी नहीं बांटा, नवंबर का नहीं बांटेंगे दिसंबर का बांट देंगे, बोल देंगे इस महीने नहीं आया माल, क्योंकि ग्रामीण लोगों को खासतौर पर पता नहीं रहता ना क्या है ये। जी लक्ष्मण, राशन डीलर से आपकी बात हुई, उसका क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर? जी अभी राशन डीलर से मेरी कोई बात नहीं हुई है, बट मैंने वहाँ के जो हितग्राही थे मैंने खबर बना के यहाँ पर प्रशासन करवाया, उसके बाद मेरी कोई जानकारी किसी से कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की अभी सुनवाई नहीं हुई है, उन्होंने शिकायत की, उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है क्योंकि उन्हें उनके हक का राशन नहीं दिया गया है, इसके बाद ग्रामीण क्या तैयारियां कर रहे हैं अब इसको लेकर? जी ग्रामीणों का यही कहना है, अगर हमारे कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे चल के इसकी शिकायत कलेक्टर या फिर आगे जो स्थानीय संबंधित अधिकारी है वहां पर करेंगे। जी क्या ये राशन डीलर की तरफ से कम तौल का भी मामला सामने आया है? जी बताया जा रहा है इतग्राहियों के द्वारा के राशन डीलरों की तरफ से ये मामला कम तौला गया है। जी माल जो राशन है वो कम तौला गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। आपको बता दें शिवपुरी से एक खबर है जहां पर कुंवरपुरा ग्राम में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में लापरवाही का मामला सामने आया है। हितग्राहियों के द्वारा बताया गया है कि उचित मूल्य की दुकान के संचालक ना तो टाइम से दुकान खोलते हैं और ना ही सही तरीके से माल का वितरण करते हैं। उनका कहना है कि दुकान पर जो राशन वितरण किया जाता है वह पूरा ही नहीं दिया जाता। कई हितग्राहियों का कहना है कि एक महीने का राशन अभी भी बकाया है। इसको लेकर हितग्राहियों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।